गौरव जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, दो अपनी भूमिकाएं आपको बतला देता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, उसका 6 साल तक सदस्य भी रहा हूँ मैं। तो मैं प्रशासक भी रहा हूँ, छात्र भी रहा हूँ और विश्वविद्यालय की जिंदगी से जुड़े जितने आयाम है उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ मैं। अब मैं दो तीन चीज़ें सब बोल रहे हैं, मैं प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे, विवेक कुमार जी, अगर एक नारा लगाता हूं मैं कि नरेंद्र मोदी हम शर्मिंदा हैं, तेरे आलोचक जिंदा हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? अमृता जी से ही पूछ लीजिएगा, विवेक जी से ही पूछ लीजिएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी आजादी और मेरी अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में कोई नहीं कहेगा, कहेगा इसको जेल में डालो, ये गुंडाई है, ये है, ये वो है। और अगर देश के टुकड़े करने की बात होगी, अफजल गुरु हम जिंदा शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम इसमें तालियां पीटेंगे? ये किस तरह के दोहरे मापदंड और दोहरे चरित्र चल रहे हैं? मैं तो एक बड़ा मजेदार शेर था आपको सुनाना चाहता हूँ, उससे मेरी सारी व्यथा निकल के आ जाएगी। देखा है जो कदे में, देखा है जो कदे में, ऐ शेख कुछ ना पूछ, ईमान का तो यह है कि ईमान तो गया। यहां ईमानदारी से चीजों पे पक्ष नहीं रखे जा रहे हैं, यहां पे देश नहीं सोचा जा रहा है। देखिए, सब आजादी की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। मेरे सामने ये आर्टिकल 19 रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वैसे विवेक जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ होता नहीं, देश ये है वो है, देश मेरा मानना है, मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई, देश है वो चलता है। राजू जी प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। संविधान ये कहता है, मैं आ रहा हूं मिताजी। अच्छा ठीक है ठीक है, विवेक जी छोड़िए ना, मैं मानता हूँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं ये सब बातें भाई। मैं आपको सिर्फ 19, अरे भाई चुप रहिए ना, मैं मान गया ना, अब मेरे को मेरी बात रखने दीजिए विवेक जी। कैरी ऑन। इसमें आर्टिकल 19 1 2 क्या कहता है? है वो कहता है, इन सो फार एज सच लॉज इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट कंफर्म बाय दिस सेट सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। शब्द सुनिए, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी और इन रिलेशनशिप टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन। ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई गई हैं, ये मैंने नहीं लगाई, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नहीं लगाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई, ये दिल्ली पुलिस ने नहीं लगाई, ये हिंदुस्तान के संविधान ने लगाई है। और मुझे लगता है देश जो है वो हिंदुस्तान के संविधान पर चलेगा। आज जब विद्यार्थी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम जब देश के संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, तो मैं सिर्फ एक शब्द में ये कहना चाहूंगा, ठीक है सर, कि चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई हो, वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। मार पिटाई की बड़ी बातें आई, अभी आपने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्षा से सुना कि कैसे एक फोटो एक SFI के नेता की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बना दी गई, कमाल है। और JNU का एक प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में रामदास कॉलेज में हिंसा में भाग ले रहा है, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके सुधांशु जी, मतलब है वहां ओके सुधांशु जी, वो कौन है? ओके ओके अमृता 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 आपके पास आऊंगा। अमृता आप सब ने बढ़ चढ़ कर गुरमेहर का समर्थन किया है। सुधांशु जी आता हूँ, और आप आपके सुधांशु जी, आप लोग सुधांशु जी प्लीज गो अहेड, सुधांशु जी आप लोगों को म्यूट करके रहेंगे हम लोग। सुधांशु जी सर वो दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर उस बात को। सुधांशु जी आप हमें म्यूट नहीं कर सकते सर, ये देश आपका नहीं है सर, ये देश मेरा देश भी है। हम आपके हमारे हमारे ABBP के स्टूडेंट्स काफी हैं, आपको बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए। मैं अब अपनी बात रखूं, ABBP के लोगों को कह रहे हैं कि मारिए और अच्छे से मारिए। मेरा एक सवाल है अमृता जी, अच्छा मैं अपनी बात रखूं ना, खराब कर दिया है पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट। मैं आप पे आरोप लगा सकता हूं कि आप इस बहस का एटमॉस्फेयर मत खराब करिए, वो भी तरीका अपनाना चाहिए, अपनाना। सुधांशु जी सुधांशु जी अभिजीत ने जो कहा उसके कहने पे कैसी भड़की हुई है, इनको तो अभिजीत को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन जो देश तोड़ना चाहता है उसकी बात को रखने का हक है। कमाल के दोहरे चरित्र, दोहरे चाल चरण है, ये कैसे हो सकता है?
किसी दूसरे को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन यहाँ पे देशद्रोहियों को अपनी बात रखने का हक है। देखिए क्यों है, अरे कैसी आप है भाई। अच्छा एक मिनट, सुधांशु जी रुकिए, सुधांशु जी, अमृता मैं घड़ी देख के आपको एक मिनट देता हूँ, आप पूरा बोल लीजिए जो आपको बोलना है। आपको अभिजीत पे बोलना है, आपको सुधांशु जी पे बोलना है, आपको प्रियंका पे बोलना है, आपको किसी पैनलिस्ट पे बोलना, पूरा घड़ी देख के एक मिनट दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आप किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी। एक मिनट है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बोलिए क्या बोलना है आपको। इनके एक सवाल, हर सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर विवेक कुमार और डॉक्टर गीता भट्ट आपके पास, और प्रियंका आपके पास भी आता हूं। बड़े गंभीर आरोप है सुधांशु जी आपके ऊपर। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, इन्होंने प्रश्न उठाया कि जो लोग 52 साल से अपने कार्यालयों पे झंडा नहीं फहराते थे वो राष्ट्रवादी कैसे है। शायद इनको झंडे का कानून नहीं पता था। आज से 2004 से पहले आप अपने कार्यालय पे झंडा नहीं फहरा सकते थे, राष्ट्रीय झंडा, और आपने भी कभी नहीं फहराया, तो कम से कम राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कानून के प्रति सम्मान नहीं है, हमें तो आप बोल रहे सर, प्रश्न बोलिए, आपने तो झंडे को कभी माना ही नहीं। अब देखिए कमाल है, आप पीछे बोल रही है, आप में तहजीब होनी चाहिए, आप में थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। आप बोलती है मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ी तहजीब रखिए। अब प्रश्न ये है, सुधांशु जी आप बोलिए, मैं सुनना चाहूंगी आपकी राष्ट्रवादी बातें। राहुल गांधी व्यसित क्यों थे? हाँ चुप रहिए ना, फिर बीच में क्यों बोल रही है आप, चुप रहिए जरा सा। राहुल गांधी व्यथित क्यों है, ये व्यथित क्यों है? राहुल गांधी क्यों ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इनकी आवाज जो दबाई जा रही है ये देश विरोध है। जो आदमी ये कहे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसके ऊपर अगर पुलिस जब आपने उन लोगों को, अमृता प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज इनकी ऑडियो म्यूट कर दीजिए, उसके नाम पे आपने यूनिवर्सिटी के तमीज रखिए, कोई तो तहजीब रखिए। बोलिए सुधांशु जी, अपनी संस्कृति दिखा रही हैं आप, जल्दी बोलिए सर। तो जो है, तो राहुल गांधी जब इसका समर्थन करेंगे तो आप कांग्रेस से और क्या उम्मीद करेंगे। मैंने आपसे कहा कि अभिजीत जो कह रहे हैं मैं उसका नहीं समर्थन करूंगा, लेकिन उनके कहने पे ये इतनी बौखला गई। लेकिन जो कश्मीर में भारत का अंग तोड़ने की बात करते हैं, जो बस्तर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके समर्थन में खड़ी हुई है। अब जहां तक सवाल आता है कि ये किसी के समर्थन में नहीं है, हम देश के टुकड़े करने वाले किसी भी नारे के समर्थन में नहीं है। आप अपनी जो शब्दों को मेरे मुंह पर डालिए। अरे चुप रहिए, कुछ तो तमीज रखिए आप। ये मत बताइए, आप तो सभ्य महिलाएं हैं, आप क्यों सभ्यता नहीं दिखा रही हैं? आप सभ्य महिलाएं हैं नहीं? कांग्रेस वाले ही गए थे सबसे पहले जब उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे। कमाल है। चलिए सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आऊंगा अभी प्रियंका के पास। प्रियंका कुछ सवाल है, अभिजीत आ रहा हूँ आपके पास जी। गौरव जी जहां तक गुरमेहर जी का सवाल है, वो एक शहीद के परिवार की है, लेकिन जो वो कह रही है, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि वो शहादत पे कलंकित कर रही है। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, आतंकवाद और लड़ाई पाकिस्तान कर रहा था या कोई और बाहर से आके कर रहा था? इस देश में जब सिपाही शहीद होता है आतंकवादी से लड़ते हुए, तब पाकिस्तान का उसमें कोई गुनाह नहीं है? जिस समय कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठ करता है हिंदुस्तान में आके और अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए एक शहादत होती है, तो उस समय पाकिस्तान की गलती नहीं है? चलिए ये बड़ा सवाल है। ओके सुधांशु जी, प्रोफेसर विवेक कुमार, मैं आपके पास यही सवाल लेके आऊंगा, क्या करे लग रहा है? अरे भाई पकड़ करके बंद कीजिए ना, आप क्यों इस जुमले को बार बार लगा रहे हैं? किसी ने रोका है? और दूसरी बात यह है कि आप उसी आदमी के साथ, जो लोग उसको हीरो मानते हैं, उसी के साथ कश्मीर में आपने सरकार बना रखी है, तो आपको यह नहीं लगता कि वो देशद्रोही हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्ञान की परंपरा के पुंज को मत रोकिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आप चाहे यहाँ कितना कर लिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही आप प्लेट में रख के ले जाते हैं, जिसके अंदर वो होता है कि दिखाते हैं। प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल बात कर रहे हैं आप, आपका काम है पढ़ाई, आप चुप रहिए, यू कीप क्वाइट, आई डोंट वांट टू एंटर इन डायलॉग विद यू, वहां पे यू डोंट हैव स्टैंडर्ड टू टॉक टू मी, छात्रों को यू शट अप, पॉलिटिक्स नहीं, यू शट अप फर्स्ट, अभिजीत यू शट अप, यू डोंट हैव राइट टू टॉक टू अ प्रोफेसर, यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन टू टॉक टू अ प्रोफेसर, आप लोगों को, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू डोंट हैव स्टैंडर्ड टू टॉक टू मी,
I have heard you, and you can only sing a song. I have a contempt. I am not yourself. He has been instigating. You are students. He has been instigating to my students. He has been instigating to my students. And whosoever will instigate my students, I will make him shut up. I have a right to scold you as my student. You don't know. आप कैसे जुड़ेंगे? आप शर्मिंदे बात है। You don't know. अभिजीत अभिजीत हाजिर कॉन्टेंट का धार कर देना चाहिए। एबीपी वालों को बोलूंगा, एबीपी वालों आप चुप रहो। तुम सुनो जी, नहीं प्लीज, तुम्हारे मर्यादा बना रखे हैं, थोड़ी मर्यादा बना रखे हैं। एबीपी को भी पढ़ाता हूँ प्रोफेसर, तुम्हारी औकात क्या? प्रोफेसर विवेक कुमार, हम बाम थोड़ा प्रोफेसर आप लोग देख रहे होंगे सर, मुझे मारेंगे तो मैं मार सहूंगा प्रोफेसर, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट है और मैं उनकी मार सहूंगा। प्रोफेसर की लैंग्वेज है, लेकिन तुम्हारे पर औकात भी नहीं है। ठीक है सर, प्लीज सर, ये भाषा अच्छी नहीं लगती सर। आप सब लोग सुनना चाहते हैं, मैं बहुत देर से चुप अभिजीत रुके, अभिजीत रुके, डॉक्टर गीता भट्ट, डॉक्टर गीता भट्ट, डॉक्टर गीता भट्ट, क्या यही माहौल, क्या ऐसा ही कुछ माहौल हमारे आप सब रुकिए, डॉक्टर गीता भट्ट बोल रही है, रुकिए रुकिए, असहमति रुकिए रुकिए, डॉक्टर गीता भट्ट आज जो इतनी बड़ी बहस पूरे देश में जो छिड़ गई है, अभिजीत मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुके थोड़ी, इसके बाद आज हम कर रहे हैं और सारे न्यूज चैनल्स पे आज जो है इसी विषय में सर, आपको बोलने का अधिकार है तो उनको भी बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है किसी को बोलने का, मेरे सामने बैठ के मेरे स्टूडेंट को इंस्टिगेट करे, अगर वो करे मुझे मारेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं है, उसे कहा भी बिल्कुल नहीं है, किसी को ज्यादा कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वो उनकी बात है, किसने समर्थन किया उनकी बात का, मैंने किया, आपने किया, किसी और ने किया, उसने आपने कंडेम किया, वो अपने बात बोलेंगे, बट प्लीज तो आप अभी कर रहे ना सर, आप अभी कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं, आप बोलेंगे दूसरा कोई बोल नहीं सकता, प्रोफेसर आपको हम लोग प्रोफेसर कह रहे हैं, आपको शिक्षक ने जेएनयू को शर्मसार कर दिया है, आप कुछ मत बोलिए, देखिए सुधांशु जी को शर्मसार प्लीज, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती है, शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की, मुझे कोई शर्म नहीं है, यहाँ पे बैठ के जेएनयू को आपने रखा ही कहाँ है, और अरे बच्चों को समझाए, आपने रखा ही कहाँ है जेएनयू को, शर्मसार तो आप लोग सारे शर्म आनी चाहिए सर, तो अगर भारत की आजादी के नारे लगाए, कश्मीर की आजादी, आप पकड़िए ना उनको, हाँ तो यू ने पकड़ा गया, उसी पे तो क्या डिबेट भी नहीं कर सकते क्या, सवाल भी नहीं उठा सकते, आप सवाल भी उठाने दे रहे, बात को लेकर सवाल भी नहीं उठाने दे रहे, आप जेएनयू का हुआ तो उसमें आपने जो बात कही वो बात गई हो गई, आज डीयू में जो हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करने दे रहे, आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स कहां से लिया जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स कहां ले गए, भारत को तोड़ने के, भारत को तोड़ने की, भारत के तोड़ने को जो है एग्जाम्पल्स जेएनयू से लिया जा रहे हैं, और क्यों नहीं पकड़ा गया बेटा, अगर उनकी मंशा ऐसी नहीं थी तो वो क्यों एक हफ्ते छुपे रहे जेएनयू के अंदर ही, मुझे बताइए आप, और उनके ऊपर चार्जेस ऐसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, सीबीआई आपके पास है, उनके सामने पास है, देश को तोड़ने के विचार करते रहते हैं, वो पकड़े गए और कोर्ट से फिर जमानत पे लिए, और कोर्ट ने कुछ शर्त भी नहीं दी, वो वही इंडियन आर्मी को गाली देते हैं, इस इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहते हैं, अभी तक इंटॉलरेंस दिया दिखा नहीं गया आप लोगों से, ठीक है अभिजीत मैं आ रहा हूँ, गीता भट्ट ग्रास रूट का आदमी हूँ, गीता भट्ट ग्रास रूट पर काम किया है, ये धमकी मत दीजिएगा किसी को, देखिए कि आपने देखा नहीं, बहुत वहीं से बड़ा हुआ हूँ सर, अभी आप मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं, किसी को बोलने नहीं दे रही, अब आप सर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट यहाँ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट पर हम अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट यहाँ पे करना चाहते हैं सर, नॉट कंस्ट्रक्टिव, डोंट बी पर्सनल, नॉट कंस्ट्रक्टिव, अगर हम कंस्ट्रक्टिव डिबेट अभी यहाँ करके बात करते हैं सर, एक एक करके वो चुप हो गए, प्रोफेसर आप भी चुप हो जाइए, एक एक करके बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, मैं आपके पास अभिजीत, इट्स माय सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, तुम लोग को तो सैलरी हम देते हैं,
अरे हम भी तुमको तुम तो गवैया हो, गवैया गवैया को यूं हम लोग पैसा लुटा देते हैं सर। गवैया की बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? सुधांशु जी यू डिड नॉट से एनीथिंग। अमृता ही वो से एक मिनट सर आपको पूरा मौका है सर। मैं हूँ लेकिन मैं बहुत दूसरे तरह का गुरु। सुनिए अब सुधांशु जी 30 सेकंड। सुधांशु जी क्या हल है इस बहस का? आप किसी के ऊपर नेशनलिज्म जबरदस्ती थोपे नहीं और किसी को नेशनलिज्म सिखाएं भी, ये कैसे हो सकता है? विवेक जी यहाँ पे गौरव जी भी, वो विवेक जी भी बैठे हुए, गौरव जी और अमृता जी भी बैठी हैं, इन दोनों से स्पष्टता से पूछिए। देश के खिलाफ जब नारे लगाए जाते हैं तो नारों का ये समर्थन करते हैं या उनका विरोध करते हैं? इसमें इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता से सामने आना चाहिए कि क्या इस देश के अंदर देश विरोधी नारे लगेंगे या नहीं लगेंगे। और राजनीति देश बता दीजिए, देश का मतलब जैसे प्रोफेसर मुझे देश का मतलब बता दीजिए, मुझे देश की कोई डेफिनेशन दे दीजिए। आपकी कोई नहीं है अगर स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन हो। विवेक कुमार अपना क्यों दिखा रहे हैं, अपना चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? देश आप क्यों दिखा रहे हैं? आपको जो है प्रोफेसर बनने लायक आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप को प्रदान करना, तो थोड़ी देश दिखाइए देश के बारे में। बोल रहा हूँ थोड़ी अकल होनी चाहिए आप में। नहीं अकल तो मैं है, तभी तो मैं क्वेश्चन होनी चाहिए। चुप रहिए जरा, मैं एक रिमाइंडर यहाँ देना चाहूंगा। आप बहुत बदतमीज किस्म के इंसान है, बहुत बदतमीज किस्म के। सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, तमीज और बदतमीजी ये मत सिखाएं यहाँ पर डिबेट में। हम सब मैच्योर हैं सर, ऐसे लोगों का ये मत बोले कि किसको बुला ले। वो कह रहे हैं मैंने आपको क्यों बुला लिया, आप कह रहे मैंने उनको क्यों बुला लिया। तो फिर सर हम बात किससे करेंगे, हम किससे बात करेंगे, हम किससे? हाँ सर सुधांशु जी प्लीज होल्ड ऑन, सुधांशु जी प्लीज कैरी ऑन। सॉरी गौरव, जब 30 सेकंड सर, समय कम है, सबके पास जाना मुझे। ऐसे बयान देती हैं, यहाँ जब गुरमेहर ऐसे बयान देती हैं तो दिल में दुख होता है। एक शहीद, एक उस व्यक्ति ने जिसने देश के लिए शहादत दी, हमारे लिए गौरव का केंद्र है, उसके बच्चे अगर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ये देश के साथ और देश के सिपाहियों को और देश की फौज के साथ या नहीं। पास समय कम है, मैं एक छोटा सा सवाल लेकर जा सकता हूं अमृता के पास। थोड़ा होता रहे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं एक जस्ट रिमाइंडर डालना चाहूंगी गौरव जी, मुझे थोड़ा 30 सेकंड का साइन दे। 2009 में जब जंतेवाड़ा में जो है सीआरपीएफ के जवानों की मौत हुई थी नक्सलवादियों के हाथ पे, तो 2009 में जेएनयू में मिठाइयां बटी थी और उसपे एबीवीपी ने बड़ा बहुत जबरदस्त प्रदर्शन निकाला था जिसमें एनएसयूआई ने उनका साथ दिया था। मैं सिर्फ रिमाइंडर देना चाह रही हूँ अमृता जी को।